उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आने में अब 24 घंटे से भी कम का समय बचा है। जी हाँ, आपको बता दें 10 मार्च यानी कल मतगणना होनी है। इसी बीच ईवीएम में छेड़छाड़ या अदला बदली के आरोपों पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कई जिलों में प्रदर्शन किया है। वहीं बीते मंगलवार देर रात मिर्जापुर के बथुआ स्थित पॉलिटेक्निक में बने स्ट्रांग रूम के सामने देर रात निगरानी के लिए सपा कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। जी हाँ, आपको बता दें आरोप लगाया कि रात में स्ट्रांग रूम के अंदर से बीप की आवाज आ रही थी। हंगामे के बाद मौके पर पहुंचे सपा अपना दल गठबंधन के प्रत्याशी ने बीप की आवाज की जांच की। वहीं आरोप लगाया कि जैसे मतदान के बाद बीप की आवाज आती है उसी तरह आवाज आ रही है। वहीं बीते मंगलवार शाम वाराणसी में वाहन से ईवीएम मिलने के बाद सपा कार्यकर्ताओं के हंगामे का मामला शांत नहीं हुआ था कि देर रात मिर्जापुर के बथुआ स्थित पॉलिटेक्निक में बने स्ट्रांग रूम के सामने प्रदर्शन शुरू हो गया। वहीं आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं का कहना था कि अंदर से बीप की आवाज आ रही थी। मौके पर सपा अपना दल गठबंधन के चुनाव प्रत्याशी आरएस पटेल, मझवा प्रत्याशी रोहित शुक्ला व समाजवादी पार्टी से नगर प्रत्याशी कैलाश चौरसिया पहुंचे। जी आपको बता दें उधर सूचना पर कटरा कोतवाली पुलिस के बाद एसपी सिटी संजय कुमार वर्मा भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने कहा कि जिस कमरे से बीप आने की आवाज का दावा किया जा रहा उसमें ईवीएम को रखा ही नहीं गया था। सपा प्रत्याशी व कार्यकर्ताओं की मांग है कि पर्यवेक्षक को मौके पर बुलाया जाए।